हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हमारा डी रॉ सीरीज़ की इंडियन पॉलिटी का सेकंड डे है, और इसके अंदर आज हम एक और नया टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें पता होने चाहिए और किस तरह से हमें उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे ऐप के ऊपर जो है अवेलेबल है। ओटो आई एस अकेडमी का अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको एचपीएस प्रीलिम्स का ये फोल्डर मिलेगा, और इस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज का एक सब फोल्डर है जिसमें आपको आज का जो ये लेक्चर का पीडीएफ है वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जब इंडियन पॉलिटी के जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एक्ट आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 से लेके 1853, जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा था, और उसके बाद 1858 ऑनवर्ड जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल स्टार्ट हुआ टिल द टाइम ऑफ 1947। तो इन 150-200 साल की हिस्ट्री के अंदर जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर थे उनके द्वारा बहुत सारे एक्ट और लॉ इंडिया में बनाए गए थे, और इस टॉपिक से हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और इसीलिए आज हम इस टॉपिक को जो है एक थ्रेड बेयर एनालिसिस जो है आज इसका हम करेंगे। तो आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि वारन हेस्टिंग जो थे ही वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्होंने एक रेगुलर पुलिस फोर्स इंडिया में एस्टैब्लिश की गई थी ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। 1773 के एक्ट के नीचे कैलकटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था, और इंडियन पिनल कोड IPC जो थी इट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860। तो आपके पास यहाँ पे तीन स्टेटमेंट हैं, तो अब हमें चूज़ करना है कि इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जहाँ ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट आ जाती हैं। तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट हैं, तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर जो है वो बी है। ओनली स्टेटमेंट टू एंड थ्री स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। वाई स्टेटमेंट नंबर वन इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये जो रेगुलर पुलिस फोर्स एस्टैब्लिश करने का जो काम था ये वारन हेस्टिंग के द्वारा नहीं किया गया था, इट वाज बेसिकली डन बाय द लॉर्ड कर्जन ने इसको जो था आगे एस्टैब्लिश किया था। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारा जो लॉ राइट आंसर है वो यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये 1793 के एक रेगुलेशन के उस समय एक रेगुलेशन जो था वो पास किया गया था, उसके ऊपर यहाँ पे बना क्वेश्चन जो है। इसके अंदर ये क्वेश्चन जो है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था, पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर भी होती थी और एग्जेक्टिव पावर भी होती थी, बट बाय दिस रेगुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसका जो जुडिशियल पावर था वो अलग कर दिया गया था फ्रॉम द एग्जेक्टिव पावर। तो ये किस वजह से किया गया था, इस रेगुलेशन के पीछे क्या रीज़न था, कॉर्नवालिस ने ये काम किया था, तो इसके अंदर हमारे पास ABCD यहाँ पे हमारे पास चार स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाती हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे कौन सी आती है। तो अगर हम देखेंगे ए के अंदर यहाँ पे देखेंगे कि एफिशिएंसी को लेके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको यहाँ पे किया था। दूसरी अगर हम यहाँ पे पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो कॉर्नवालिस थे वो सोचते हैं कि जुडिशियल पावर जो है वो सिर्फ यूरोपियंस के हाथ में होनी चाहिए, इंडियन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो उसके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि एवरी ऑल द पावर यू गेव इन द वन हैंड हेयर, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट हम देखते हैं कि जुडिशियल वर्क जो उस समय का था, कोर्ट वर्क जो था, इट डिमांड डीप नॉलेज ऑफ इंडिया इसके लिए, और कलेक्टर के पास जो थे वो और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसकी वजह से ये सेपरेट किया गया। तो अगर हम इसका यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं तो राइट आंसर हमारे पास सी आ जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनका जुडिशियल पावर को सेपरेट करने का जो मेन मकसद ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था एट दैट टाइम ही वाज टू मच पावरफुल, और इस पावर का मिसयूज ना हो इसकी वजह से जुडिशियल पावर को जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वहाँ पे सेपरेट किया था। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, ये 1813 के चार्टर एक्ट से ये क्वेश्चन रिलेट करता है कि इस एक्ट के नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया एक्सेप्ट फॉर टी ट्रेड
एंड ट्रेड विद चाइना। सेकंड स्टेटमेंट जो है कि ब्रिटिश का जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी जो सोवरेनिटी थी वो ऑल ओवर इंडियन टेरिटरी जो उस समय कंपनी होल्ड करती थी उसके ऊपर जो था उसको असर्ट कर दिया गया था, और इंडियन रेवेन्यू जो था इट वाज कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये 1813 से रिलेटेड ये एक्ट ये के ऊपर ये क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। तो अब हमें चूज़ करना है कि इनमें से राइट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे कौन सी आती है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर जो यहाँ पे निकल के आता है इस क्वेश्चन से, दैट इज़ बेसिकली आंसर ए, जो स्टेटमेंट नंबर वन है ये हमारी करेक्ट है। मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, उसका एक कारण भी था क्योंकि जो नेपोलियन था उसका होल्ड उस समय फ्रांस और इस एरिया में हो चुका था, और उसने इंग्लैंड को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। मेन यूरोप के साथ के कोई ट्रेड वगैरह नहीं होगा, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां थी, दे वर नाउ प्रेशरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट के भाई हमको भी ट्रेड करना है, वी शुड आल्सो बी अलाउड। इसके करके बहुत सारी प्राइवेट कंपनी को इंडिया में ट्रेड करना अलाउ कर दिया गया था, और मोनोपोली ख़त्म कर दी गई सिर्फ ची और चाइना को छोड़ के। ठीक है, स्टेटमेंट टू भी बिल्कुल ये यहाँ पे जो करेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन जो था उसकी सोवरेनिटी डिक्लेयर कर दी गई थी पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी के ऊपर, लेकिन रेवेन्यू अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं था, वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मैनेजमेंट के अंदर था। तो इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर है वो ए है, दैट इज स्टेटमेंट वन एंड टू इज राइट ओनली। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर फोर हेयर, के विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके पास हमारे पास जो है एक फर्स्ट ऑप्शन है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसके बाद है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरी है ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्ट कंट्रोवर्सी। तो अब हमें ये देखना है कि जो इंडिया में इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ एजुकेशन, इसके पीछे तीनों में से क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, वन एंड टू ओनली, टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, एंड वन टू एंड थ्री ओनली, क्या ये सारे ही करेक्ट थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आ जाता है वो हमारे पास आता है डी, ये सारे के सारे ही करेक्ट ऑप्शन हैं यहाँ पे। क्यों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि 1813 के एक्ट के नीचे 1,00,000 रुपए का फंड पहली बार रखा गया था इंडियन एजुकेशन के लिए, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी बनाई गई थी, लॉर्ड मैकले जो बाद में हमारे लॉ कमीशन के चेयरमैन थे वो भी इसके मेंबर भी थे, और उनका मेन था कि एजुकेशन कैसे किस तरह से दी जाए। देर वॉज बेसिकली डिवीजन ऑफ मेंबर, सम मेंबर वॉन्ट के जो एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल मदर टंग में होना चाहिए जो भी हमारी उस समय इंडियन थी, और कुछ मेंबर मानते थे कि एजुकेशन इंग्लिश में होना चाहिए, और बाद में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा बढ़ा और 1835 के बाद इंग्लिश वॉज डिक्लेयर द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सो इसके ऊपर ये क्वेश्चन जो था यहाँ पे पूछा गया था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वॉज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और इसके पास हमारे पास जो हैं टोटल तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, फोर्थ एंड डी, चार स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं, और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो रीज़न है वो 1833 के एक्ट के साथ रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे कि ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉट टू बी बॉलिश, तो बिल्कुल ठीक है, उनका अबॉलिश इसको यहाँ पे कर दिया गया था। डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी जो था, ही वॉज नॉन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, लॉर्ड विलियम बैरेंटी को ऑल इंडिया जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर दिया गया था, और सारी की सारी लॉ मेकिंग पावर जो थी इट वॉज गिवन इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ये भी यहाँ पे करेक्ट थी, और लॉ कमीशन में एक इंडियन मेंबर भी अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि लॉ कमीशन इट वॉज हेड बाय द लॉर्ड मैकले, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स थे वो हमारे ब्रिटिश ही थे, इसमें इंडियन मेंबर अभी नहीं थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी आ जाता है। ठीक है, ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये सिक्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं, और अभी हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है, या दोनों ही करेक्ट हैं या दोनों ही करेक्ट नहीं है। ये जो क्वेश्चन अगर हम स्टेटमेंट वन देखते हैं, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली जो था वो ख़त्म कर दिया गया था, और बाय द एक्ट ऑफ 1858 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो
पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और रूल था वो अपने हाथों में ले लिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म था और 1858 एक्ट के नीचे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रूल को ओवरपावर कर लिया था। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट आ जाता है, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली 1853 के एक्ट के ऊपर नहीं ख़त्म किया गया था। इसको पहले ही हमने पहले भी एक्ट में देखा है कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया था, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, टी ट्रेड और चाइना ट्रेड को छोड़ के, बाकी का ट्रेड जो था बाकी की प्राइवेट कंपनियों के लिए ओपन कर दिया गया था। यहाँ पे इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो तो इसके अकॉर्डिंगली राहुल थोड़ा इसको कट ऑफ देख लेना क्वेश्चन सिक्स को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो राइट आंसर जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी आंसर बी हेयर। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर सेवन हेयर। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसराय अथॉरिटी ओवर इज एग्जेक्टिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम। पहली बार इंडिया में एक पोर्टफोलियो, जैसे आज भी जब गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम स्टेट पे हो तो वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किन के पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा। तो ये वाली प्रोविजन सबसे पहले किस एक्ट के नीचे इंट्रोड्यूस की गई थी, तो दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ये चार एक्ट हमारे पास दिए गए हैं और इसका जो हमारे पास राइट आंसर आ जाता है वो ए है, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के नीचे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो गवर्नर जनरल ने जो उसकी अपनी काउंसिल थी उसके अंदर डिपार्टमेंट बांट दिए थे कि आपके पास ये डिपार्टमेंट होगा, आपके पास बी डिपार्टमेंट, आपके पास सी डिपार्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर एट हेयर। पहली बार इलेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि एक इलेक्शन का एलिमेंट जो था वो किस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 या 1892 का एक्ट। यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आ जाता है दैट इज़ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, जिसमें पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए थे, जिसके अंदर कुछ बॉडी और पर्सन को राइट टू वोट दिया गया था। और इसके पीछे का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की फॉर्मेशन हो गई थी तो कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर थे वो बड़े लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहिए और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, और उनका सर्विस वगैरह के अंदर भी उनकी डिमांड थी। तो जिसके नीचे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने पहली बार एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके कारण हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी आ जाता है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर नाइन हेयर। 1919 के एक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल तीन स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाती हैं, एंड वी हैव टू सी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। तो अब इन अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं तो डायर्ची को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द एग्जेक्टिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो था उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, और डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये जो यहाँ पे की गई थी, सेंटर ने थोड़ा प्रोविंसेस को लॉ मेकिंग की पावर जो थी यहाँ पे दे दी गई। तो अगर हम इसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो राइट आंसर यहाँ पे जो है वो सी आ जाता है, वन एंड थ्री इज़ द राइट आंसर हेयर। और क्योंकि ये वाला अगर हम एलिमेंट देखते हैं तो ये ऑलरेडी 1909 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1919 के एक्ट में नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसके चलते हमारा राइट आंसर जो है वो यहाँ पे सी आ जाता है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर टेंथ हेयर। के क्वेश्चन नंबर टेंथ के नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई 1935 के एक्ट के नीचे जो रेसिड्यूरी पावर थी वो किसको दी गई थी। देखिए तीन तरह के सब्जेक्ट का डिवीज़न है जो आज भी है, जैसे कि हम यूनियन लिस्ट कह देते हैं, प्रोविंसल लिस्ट कह देते हैं, कंकरेंट लिस्ट कह देते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट इन तीन लिस्ट में कवर नहीं होता है, बच जाता है, तो उसको रेसिड्यूरी पावर में डाला जाता है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये पावर आज भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, और 1935 के एक्ट के नीचे जो रेसिड्यूरी पावर्स होती थी इट वॉज गिवन टू द गवर्नर जनरल को उस समय दी गई थी, इसके कारण जो हमारा आंसर बी आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हेयर, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरेक्टेड दैट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नो लॉन्गर टू बियर द टाइटल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल लगाने की अपने नाम के साथ जरूरत नहीं है, ये किस एक्ट के नीचे डिक्लेयर किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जहाँ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1854 के नीचे किसमें इस एक्ट को डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि हमारा जो राइट आंसर है वो 1854 के नीचे ये जो था इसको डिक्लेयर किया गया था कि गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल जो है अब साथ में गवर्नर जनरल को लगाने की साथ में ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं जो 1935 के एक्ट के साथ यहाँ पे रिलेट करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि गवर्नर प्रोविंस से अब जो डायार्ची था, जो ड्यूल गवर्नेंस थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। स्टेटमेंट टू है द पावर ऑफ द गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, के गवर्नर को जो थी वो वीटो पावर दे रखी थी, किसी भी लॉ को, लॉ मेकिंग को वीटो कर सकते थे। तीसरा था एबॉलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, जो पिछले बहुत सारे एक्ट से लंबे समय से वो चल रहा था, तो इनमें से कौन सी प्रोविजन जो है वो हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है, तो हमारे पास डायर्ची को अबॉलिश कर दिया गया था, गवर्नर प्रोविंसेस थे और इसको सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और इसका एक कारण भी ये था कि साइमन कमीशन, जिसके बारे में आपको याद भी होगा 1927 में जब वो इंडिया में आया था तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, लाला लाजपत राय जी की डेथ भी हो गई थी इंजरी के कारण, जो लाठीचार्ज हुआ था, तो 1929 में उन्होंने एक अपना रिकमेंडेशन दिया था कि डीआरसी जो है इसको प्रोविंस से सही काम नहीं कर रही, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। तो उसके चलते भी 1935 एक्ट के नीचे उन्होंने प्रोविंस से डीआरसी को अबॉलिश करके सेंट्रल लेवल पर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। गवर्नर को वीटो पावर दे रखी थी, दैट इज़ ट्रू, लेकिन कॉमनल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म नहीं हुआ था, इट वॉज स्टिल कंटिन्यू गोइंग ऑन हेयर, ठीक है। तो ये बहुत सारे कम्युनिटी को दिया गया, जैसे मुस्लिम थे, सिख थे, एंग्लो इंडियन, तो इस तरह के इसको डिवीजन जो था ये अभी भी चल रहा था, तो इसके चलते हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, आंसर 1 और 2 ओनली। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें कुछ लिस्ट दी गई हैं जिसको हमें मैच करना है एक्ट्स के साथ, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के नीचे क्या इंट्रोड्यूस किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नीचे क्या इंट्रोड्यूस किया, एक्ट ऑफ 1858 के नीचे क्या इंट्रोड्यूस किया गया, और पिट्स इंडिया एक्ट के नीचे क्या इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे हमें लिस्ट के साथ मैच करना है, ये मैचिंग क्वेश्चन थोड़े से बड़े ध्यान से करने होते हैं, लेकिन इनको अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली देखेंगे तो इसमें स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। तो अगर हम इनको यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए आ जाता है, क्योंकि जो ट्रेड मोनोपोली थी दैट वी नो इट वेरी वेल कि ये 1813 के एक्ट के नीचे इसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करते हैं तो इसके नीचे एक अलग से सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था, 1858 के नीचे पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया था ब्रिटिश के हैंड में, और पिट्स इंडिया एक्ट के नीचे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में बना दिया गया था ताकि कंपनी के कामकाज और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट किया जा सके। आफ्टर दैट कम क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, 1853 के चार्टर एक्ट के साथ ये रिलेट करता है यहाँ पे, और अब इसके अंदर हमारे पास तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी हैं और अभी देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट इनका करेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इंडियन टेरिटरी जो थी ये एक्ट के नीचे डिक्लेयर किया गया कि इट विल रिमेन अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी एंड इन ट्रस्ट फॉर द क्राउन, ठीक है। एक्ट जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो नंबर थे उनको इंक्रीज कर दिया गया था, और इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या सिविल सर्विस इंडिया जो था उसको एक ओपन कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया गया था। तो अगर हम इसमें हम देखें हैं तो यह हमारे पास जो राइट आंसर इसका बनेगा वो यहाँ पे ए बनेगा, जिसके अंदर स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज हुए थे ये गलत है। नंबर ऑफ डायरेक्टर जो थे वो इंक्रीज नहीं हुए थे, वो डिक्रीज हुए थे, 24 से वो 18 हो गए थे, 18 में भी 6 डायरेक्टर जो थे वो खुद जो क्राउन था वो अब अपॉइंट कर रहा था, तो इसके कारण ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 15, जो 1813 का जो चार्टर का एक्ट था उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था और ब्रिटिश सोवरेनिटी को ऑल ओवर इंडिया पे डिक्लेयर कर दिया गया था, और इंडिया का जो रेवेन्यू था इट वाज नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट हेयर। तो इसकी अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए आ जाता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो
जो इंडिया जो मोनोपोली थी उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, और सोवरेनिटी जो थी वो भी ब्रिटिश क्राउन की डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन रेवेन्यू जो थे वो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में मैनेजमेंट नहीं दिया गया था। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 16 हेयर, मोंटेगू चेलेस्फोन प्रपोजल किससे रिलेटेड था? तो इसके ऊपर हमें बताना है कि या सोशल रिफॉर्म था, या एजुकेशनल रिफॉर्म थे, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म था, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। तो मोंटेगू चेलेस्फोन रिफॉर्म अगर हम इसे अनदर एक्ट में जानते हैं तो इट इज़ बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहा जाता है, और इसका जो मेन पर्पज़ था दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हियर, क्योंकि बड़े लंबे समय से होम रूल लीग का भी डिमांड था कि इंडिया को सेल्फ रूल दिया जाए, और उसी सेल्फ रूल के चलते हुए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात मोंटेगू चेलेस्फोन प्रपोजल में रखी गई थी। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 17 हियर, द कंपनी टेरिटरी इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशन इंडिया, इनमें से किस एक्ट के नीचे इसको डिक्लेयर किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या 1784 के एक्ट के नीचे, या 1833 के एक्ट के नीचे, जहाँ इनमें से किसी एक्ट के नीचे डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाता है 1784 के एक्ट के नीचे, पिट्स इंडिया एक्ट के नीचे, जो ब्रिटिश टेरिटरी थी पहली बार उसे ब्रिटिश पोसेशन डिक्लेयर किया गया था। और इसको डिक्लेयर करने के पीछे एक रीज़न भी ये था क्योंकि कंपनी में करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत सारी कंप्लेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जा भी रही थी। तो अब कंपनी को लगता था कि किसी तरीके से जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि वी हैव टू कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी, तो इसके लिए ही इसके नीचे ये प्रोविज़न जो थी ऐड की गई थी। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 8 हेयर, वट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म दिस डायर्ची, जो था जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के एक्ट के नीचे, इसका यहाँ पे मीनिंग जिसका रेफरेंस क्या मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, बी डबल गवर्नमेंट सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सी टू सीट्स सेट्स ऑफ रूलर वन इन लंडन एंड अदर इन दिल्ली, डी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी। तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बी आ जाता है। यहाँ पे एक तरह का ड्यूल गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऊपर, और जो स्टेट लेवल के ऊपर थे उनको जो था एक थोड़ा उनको सेमी ऑटोनॉमी जो थी वो यहाँ पे दे रखी थी। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 19 हेयर, कि इनमें से कौन सा एक्ट है जिसके अंदर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या उनका जो बाकी का स्टाफ था उसको इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा? और यहाँ पे हमारे पास फिर ए बी सी डी चार एक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, वी हैव टू सी द राइट आंसर यहाँ पे क्या है। तो राइट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसके नीचे ये किया गया कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर हैं या उनके जो भी मेंबर्स हैं उनका जो भी सैलरी अलाउंसेज है वो इंडियन रेवेन्यू से ही पे किया जाएगा, एंड दिस ट्रेडिशन वॉज कंटिन्यू टिल द पीरियड ऑफ 1919। उसके बाद ये जो सैलरी वगैरह थी वो इन ब्रिटिश रेवेन्यू के बाद जो थी पे की जाती, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह उनकी सैलरी भी पहले इंडियन रेवेन्यू से ही पे की जाती थी। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 20th ईयर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड ऑफ लॉ जो था बनाया था फॉर द बेटर गवर्नेंस इन इंडिया एट दैट टाइम हेयर, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। इट वॉज टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ लॉ वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया इस कॉर्नवालिस कोड के नीचे। पहली बार यहाँ पे लॉ जो था इट वॉज सुप्रीम इन इंडिया। तो इसके नीचे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कोड ऑफ लॉ था उसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट इन्वॉल्व रही थी, तो इसके कारण हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी आ जाता है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द सेशन फॉर टूडे, जिसके अंदर आज हमने एक हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट का टॉपिक जो है इसको डिस्कस किया है। आई होप दिस विल हेल्प यू टू कवर अप योर पॉलिटी का जो आपका जो टॉपिक है उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। सो कल मिलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम, डू वेल, थैंक यू।